जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहता है, पैसों से मजबूत होना चाहता है और इसके लिए तरह तरह के कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, उपाय करता है। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये उपाय करने से आप 65 टकों से मजबूत हो जाएंगे। इतना पैसा आपके पास में आएगा कि फिर जीवन भर आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, जो कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो मेहनत करता है और पैसा नहीं मिलता और उसको पैसा चाहिए, तो उसके लिए उसको भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करना होता है। और यदि ऐसी कोई चीज़ आपको मिल जाए कि जिससे आपको सिर्फ उस चीज़ के सेवन करने से यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान के द्वारा पैसों को कमा सकता है। और साथ ही साथ यदि ऐसे व्यक्ति पर मंगल मेहरबान हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के बड़े बड़े भवन होते हैं, बड़े बड़े निवास में वो आवास करता है, रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ, इस उपाय से आपका मंगल भी मजबूत होगा और गुरु भी मजबूत होगा। और जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि गुरु और मंगल की युति से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, साहसी बनता है और इस तरह से वो व्यक्ति पैसों को कमाकर अपने नाम को आगे बढ़ाता है। तो आज मैं ऐसी एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जो मंगल प्रधान है, इस चीज़ का यदि आप रोज़ सेवन करते हैं सवेरे उठकर, यह सोच करके इस चीज़ के आपके मंगल मजबूत होंगे, तो ऐसी चीज़ आपके मंगल को मजबूत करती है। और जब ये चीज़ आपके मंगल को मजबूत करेगी, तो ये समझ लीजिए कि जब मंगल आपका मजबूत हो जाएगा तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, घर मकान ये सारी चीज़ें जो बेसिक नीड्स है, ज़मीन, ये आपको मिल पाएंगी। इसके साथ साथ यदि गुरु भी इसमें जुड़ जाते हैं, तो इससे आपको नामना मिलेगी, बुद्धि मिलेगी और इस बुद्धि के दम पर आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए जो मंगल प्रधान चीज़ है गुड़, उसको व्यक्ति को रोज़ सेवन करना चाहिए सवेरे। लेकिन किस तरह से करना चाहिए वह मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा गुड़ आप ले लें, इसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं इस उपाय को, लेकिन यदि मंगलवार और गुरुवार के दिन करते हैं तो विशेष लाभदायी होता है। थोड़ा सा गुड़ आप ले लें सवेरे स्नान करने के पश्चात, आप थोड़ा सा गुड़ ले लें और पूर्व दिशा की मुख रख करके इसको आप अपने सामने रख लें और बैठ जाएं। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की 108 गुर्रियों की एक माला करें। इससे जो आपका वो गुड़ है वो अभिमंत्रित हो जाएगा गुरु के इस मंत्र से, भगवान विष्णु के इस मंत्र से अभिमंत्रित हो जाएगा। उसमें भगवान विष्णु का जो मंत्र है इसका भी पावर आ जाएगा। अब जब रोज़ सवेरे आप उठते हैं, तो इसी गुड़ में से आप स्नान आदि करने के पश्चात थोड़ा सा इसको आप ग्रहण कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कहकर आप इसको ग्रहण कर लें एवरीडे। जब भी आपका गुड़ समाप्त हो जाता है, दोबारा आप इसी तरह से इसको बना लें, इसको हमेशा एवरीडे, भले थोड़ा सा चने के जैसा ऐसा ग्रहण करें, लेकिन एवरीडे करें। इससे आपका गुरु और मंगल दोनों मजबूत होगा। और जैसा कि मैंने बताया, मंगल और गुरु जिस व्यक्ति का एक साथ में मजबूत होता है, प्रसन्न होता है, ऐसा व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होता है, साहसी होता है और इसके बल पर वो धनार्जन करता है और खूब पैसे कमाता है। तो यदि आप चाहते हैं खूब पैसे कमाना, तो आप ये उपाय करें। इस उपाय के करने से आपके मंगल और गुरु दोनों ही मजबूत होंगे और आप खूब धनार्जन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।